कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगा। इसमें आज आपका जो टॉपिक है वो हम अधिकार वाला ईओ के एग्जाम में स्पेशली आपके एक टॉपिक दिए हुए हैं, सेवा का अधिकार, सूचना का अधिकार, उपभोक्ता संरक्षण अधिकार, बौद्धिक संपदा का अधिकार, इसके अलावा सूचना का अधिकार, कुछ इस टाइप के 4-5 उसने अधिकार दिए हुए हैं उनको हम लोग कवर करते हैं। अगर वो 5 टॉपिक दिए हैं तो हर टॉपिक से अगर 1 नंबर का भी आता है तो आपके 5 नंबर ये बन जाएंगे, और किसी किसी टॉपिक से 2 नंबर का भी आ सकता है, ठीक है। और वो राइट वाला जो पोर्शन है, मतलब ये अधिकार वाले जो राइट्स हैं, इसके अलावा जो पॉलिटी के अंदर यानी संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंदर सिलेबस में टॉपिक दिए, वो बहुत ज्यादा टिपिकल टॉपिक नहीं है। अगर आप घटनाचक्र के लेवल से, लुसेंट के लेवल से भी अगर आप तैयार करके जाते हैं, आपका काम बन सकता है, ठीक है। इसी क्रम में हम सबसे पहले देखेंगे बच्चों सेवा का अधिकार। दो मतलब भी मैं कोशिश करूंगा कल हमारा ये एंड हो जाए ये अधिकार वाला, ठीक है। सबसे पहले लिखो सेवा का अधिकार, ठीक है। सेवा का अधिकार यानी राइट टू सर्विस बोलते हैं इसको बच्चों, ठीक है। राइट टू सर्विस यानी सेवा का अधिकार। अब सबसे पहले हमें ये समझना है कि ये होता क्या है। कुछ नहीं है बच्चों, जो नागरिक होते हैं, नागरिकों को क्योंकि देखो आपको देखना, आपको बहुत सी चीज़ों की जरूरत पड़ती होगी। जैसे आपने स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाना है, आपको जाति प्रमाण पत्र बनाना है, आपको EWS सर्टिफिकेट बनाना है, या आपको आय प्रमाण पत्र बनाना है, जन्म प्रमाण पत्र बनाना है, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना है, तो आपको क्या किया जाता है, कई प्रकार की सर्टिफिकेट्स की क्या होती है, आवश्यकताएँ होती है, ठीक है। इसके लिए क्या होता था, नागरिकों को इधर से उधर भटकना पड़ता था, कभी किसी के पास जाओ, कभी किसी के पास जाओ, हज़ार प्रकार की उसमें समस्याएँ आती थी। तो इसके पीछे कॉन्सेप्ट लाया गया, इसके पीछे क्या किया गया, सरकारों ने ये सोचा कि हम लोग एक काम करते हैं, जो जो सेवाएं देनी है नागरिकों को, ठीक है, मतलब जो जो उनको चाहिए उसकी हम एक लिस्ट बना देते हैं कि इनको ये सर्विस चाहिए, और इस वो नागरिक जो होगा वो क्या करेगा, उसके लिए आवेदन करेगा। आवेदन करने के बाद जो विधिक प्राधिकारी होगा जिसके द्वारा उस प्रमाण पत्र को निर्गत या जारी किया जाना है, उसको हम टाइम पीरियड दे देंगे कि भाई 15 दिनों के अंदर तूने इसके आज EWS अप्लाई किया हुआ, तो 15 दिनों के अंदर इसका EWS सर्टिफिकेट बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, ठीक है। तो यही जो सेवाएं होती हैं इसको बोलते हैं सेवा का अधिकार, अर्थात नागरिकों को जो सेवाएं दी जाती हैं उसको अधिसूचित करके, यानी कौन कौन सी चीज़ें होंगी उसको नोटिफाइड कर दिया, उसके बाद नागरिक क्या करेगा, उसके लिए आवेदन करेगा। आवेदन करने के बाद जो उसको जारी करने वाली अथॉरिटी है या जिसके द्वारा वो निर्गत किया जाना है, उस अथॉरिटी को एक टाइम पीरियड दिया जाएगा कि विद इन इतने टाइम में आप इस चीज़ को जारी कीजिए, अगर नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं, नहीं बन सकता है क्यों नहीं बनना, तो आपका काम क्या होगा, आपने आवेदन कर दिया, उसके बाद उस सामने वाले की जिम्मेदारी होगी जिसको सरकार ने या जिसको हमने ऑथराइज किया हुआ है। तो इसी जो प्रक्रिया है इसी को बोला जाता है सेवा का अधिकार यानी राइट टू सर्विस, अर्थात एक पात्र व्यक्ति का अधिकार जो सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित निर्धारित समय सीमा के भीतर सार्वजनिक सेवाएं प्राप्त करता है, ठीक है। तो इसके अंदर सिंपल सी बात क्या है बच्चों, सार्वजनिक सेवाएं प्राप्त होंगी निर्धारित समय के अंतर्गत, ठीक है। लिखो नागरिकों को, पूरा लिखना आप, ठीक है, नागरिकों को सार्वजनिक सेवाएं, पूरा लिखना, नागरिकों को सार्वजनिक सेवाएं निर्धारित समय के अंतर्गत प्रदान करना, निर्धारित समय के अंतर्गत देना, ठीक है, समय के अंतर्गत प्रदान करना, यानी आपने अपने नागरिकों को एक निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत जो सार्वजनिक, अब सार्वजनिक सेवाएं कौन कौन सी होंगी, जो अधिसूचित होंगी, अलग अलग डिपार्टमेंट के ब्रैकेट में लिख दो अधिसूचित, ठीक है, यानी जो नोटिफाइड हैं, पहले बता दिया कि ये चीज़ें मतलब आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी या आपको उपलब्ध कराई जाएंगी, यानी एक सीधे सी मतलब है अधिसूचित जो सेवाएं होंगी, और ये किसके द्वारा प्रदान की जाएगी बच्चों, जो मतलब जो भी अधिसूचित है वो किसके द्वारा, मतलब एक प्रकार से जो जो भी इसको ऑथराइज व्यक्ति है, जो ऑथराइज संस्था है, उसके द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत प्रदान करना, ठीक है। अभी सार्वजनिक सेवाओं में क्या क्या हो सकता है, जैसे एग्जाम्पल आप लोग इसके अंदर लिख सकते हो, जैसे हो सकता है जन्म प्रमाण पत्र, एग्जाम्पल लिख लो आप लोग, ठीक है, जन्म प्रमाण पत्र, इसके अलावा हो सकता है आपका मृत्यु, किसी का मृत्यु प्रमाण पत्र, ठीक है, मृत्यु प्रमाण पत्र, एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है, इसके अलावा हो सकता है आपका आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट जिसको कहते हैं, आय प्रमाण पत्र, इसके अलावा हो सकता है आपका EWS यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का जो सर्टिफिकेट होता है EWS, इसके साथ ही हो सकता है आपका स्थायी निवास प्रमाण पत्र, ठीक है, इसके अलावा हो सकता है जाति प्रमाण पत्र आदि, ये सब के सब, मतलब अब
सरकारों ने क्या किया बच्चों, ऑलरेडी नोटिफाइड किया हुआ है। जैसे आपका ये होगा, जैसे पीडब्ल्यूडी विभाग की कौन कौन सी सेवाएं हो सकती हैं, राजस्व विभाग की कौन सी हो सकती है, ये सब के सब रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा पर्यटन विभाग की कौन सी हो सकती है, इसके अलावा जितने भी डिपार्टमेंट है उनकी सेवाएं जो है नागरिकों को आपने पहले ही तय कर दिया कि कौन कौन सी सर्विस लेंगे, ठीक है। आपको निर्धारित, अब आप एग्जैक्ट सबसे बढ़िया एग्जांपल समझो, जैसे उत्तराखंड गवर्नमेंट ने भी 2011 में इसको लागू किया। अब इसी के क्रम में एक अपनी सरकार नामक एक पोर्टल चलता है उत्तराखंड में, आपको ध्यान होगा अपनी सरकार, कई बार क्वेश्चन पूछ भी सकता है इससे कि अपनी सरकार पोर्टल, यानी नागरिकों को ऑनलाइन सेवाएं देने के लिए, ठीक है। अपनी सरकार एक पोर्टल है बच्चों, ठीक है, अपनी सरकार पोर्टल, इसका यूज क्या होता है, नागरिकों को ऑनलाइन सेवाएं, यानी ये जो सेवा का अधिकार है इसी का एक पार्ट है, ठीक है। इसमें क्या होगा, ऑनलाइन सर्विस दी जाएगी, ये अपनी सरकार पोर्टल में आप लॉगिन करोगे तो आपको जो भी बनाना है यहाँ क्या रहेगा, नोटिफाइड रहेगा, आपको आय प्रमाण पत्र है, ईडब्ल्यूएस है, स्थायी है, जो भी बनाना है आप उस सीएससी सेंटर पे जाओगे, यानी जो सीएससी सेंटर होते हैं आपने देखा होगा, कॉमन सर्विस सेंटर, तो यहाँ पे जाके आप बताओगे भाई मुझे अपना ईडब्ल्यूएस बनाना है या कुछ भी करना है, तो वो अपनी सरकार पोर्टल पे लॉगिन करके आपका नाम, आपके जिले का नाम, आपके तहसील का नाम, सब चीज भर के वहां चला जाएगा। वो आपने आवेदन कर दिया तो आपके संबंधित तहसील में चला जाएगा, तहसील में जाने के बाद उसका परीक्षण किया जाएगा, चाहे पटवारी लेवल पे हो या लेखपाल लेवल पे हो, वो परीक्षण करने के बाद विद इन 15 दिनों के अंतर्गत उसको जवाब देंगे, या तो सर्टिफिकेट बनाएंगे, नहीं बनाएंगे तो क्यों नहीं बन रहा है इसका भी क्या देंगे, वो कॉज देंगे, ठीक है। तो ये अपनी सरकार पोर्टल भी एक प्रकार के सेवा के अधिकार का ही हिस्सा है उत्तराखंड में जो चल रहा है। तो आपका सिंपल सी मतलब है सार्वजनिक सेवाओं को निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत प्रदान करना, और ये अधिसूचित सेवाएं होंगी जिसके अंदर हम लोग ये चीज देख सकते हैं, ठीक है। इसकी जो उत्पत्ति हुई बच्चों ग्रेट ब्रिटेन में मानी जाती है, ठीक है। उत्पत्ति कहाँ हुई इसकी, ग्रेट ब्रिटेन में। ये माना जाता है कि जो सार्वजनिक सेवाओं के लिए जो सेवा का अधिकार है वो कहाँ पे उत्पन्न हुआ था, ग्रेट ब्रिटेन में इसको उत्पत्ति मानी जाती है। और इसमें ध्यान रखना, अगर जो प्राधिकारी इस सेवा को नहीं देता है विद इन टाइम पीरियड, उसको दंड का प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को ध्यान रखना होगा, ये क्योंकि वैधानिक और कानूनी प्रावधान है, ये जो सेवा का अधिकार है ना ये नॉर्मल नहीं है बच्चों, ये वैधानिक और कानूनी प्रावधान होता है इसमें, यानी लीगल और जो कानूनी होगा, ठीक है। वैधानिक ऑब्लिक कानूनी प्रावधान किया जाएगा, और अगर आपको इसको विद इन टाइम नहीं दिया गया तो आपको इसको क्या किया जाएगा, दंड का प्रावधान किया जाएगा, ठीक है। इसमें लिखो, निर्धारित समय में अनुरोधित सेवा न देने पर या विफल होने पर दंड का प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो लिखो, निर्धारित समय पर अनुरोधित, जो अनुरोध किया गया, ठीक है, अनुरोधित सेवा न देने पर दंड का प्रावधान किया गया है इसमें, ठीक है। उस अथॉरिटी को जिसको ये सेवा का अधिकार देना था उसके लिए दंड का प्रावधान किया गया। तो उसकी उत्पत्ति बच्चों द ग्रेट ब्रिटेन में मानी जाती है। कहीं कहीं मुझे लग रहा है कि मुझे हल्का सा क्लिक जैसा कर रहा कि कहीं मैंने ऐसा शायद सुना या पढ़ा या कभी पेपर में आया था इसका, कहीं स्विट्जरलैंड नॉर्वे कुछ इस टाइप का देख रहा था, बट मुझे तो ग्रेट ब्रिटेन ही मिला है इसमें, ठीक है। इसमें एक बार क्रॉस चेक कर लेना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार नेट पे ना आप लोग इसको क्रॉस चेक कर लेना बच्चों की सेवा का अधिकार जो था वो कहाँ इसकी उत्पत्ति हुई, ठीक है। और दूसरा आंसर होगा तो मैं कल इसको करेक्शन करवा दूंगा। तो देखना, सेवा का अधिकार बेसिकली आपका ये है, ठीक है। अब भारत में मध्य प्रदेश पहला राज्य था बच्चों जिसने सेवा के अधिकार अधिनियम को लागू किया है, ठीक है। तो लिखो, भारत में पहला राज्य जिसने राइट टू सर्विस लागू किया, एमपी था बच्चों, ठीक है। मध्य प्रदेश ने क्या किया, वर्ष 2010 में सेवा के अधिकार अधिनियम को लागू किया, जबकि इसका सेकेंड स्टेट जो भारत में था बिहार था। कौन सा था, बिहार। उसी क्रम में आपके उत्तराखंड में भी राइट टू सर्विस यानी सेवा का अधिकार, ठीक है, राइट टू सर्विस एक्ट जो था 2011 में विधानसभा के द्वारा पारित करके राज्यपाल द्वारा साइन किया गया, ठीक है। तो उत्तराखंड में सेवा का अधिकार अधिनियम कब बना, 2011 में बना, और 4 अक्टूबर 2011 को इसको नोटिफाई किया गया यानी अधिसूचित, ठीक है। 4 अक्टूबर 2011 को ये गजट में प्रकाशित हुआ राजपत्र में, और राज्यपाल के द्वारा इस पर साइन किए गए, ठीक है। तो बेसिकली राइट टू सर्विस सेवा के अधिकार अधिनियम से यही क्वेश्चन आने और कुछ नहीं आना है, इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी, सेवा का अधिकार। अब जैसे नॉर्मल सा अगर फैक्ट ना आए तो क्वेश्चन के रूप में अगर आएगा तो नॉर्मल ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, देखिए आप इसको समझना, ठीक है। नॉर्मल इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है
कि इनमें से नागरिकों को एक तय समय सीमा के अंतर्गत जो ये सेवाएं प्रदान करना है वो किस अधिकार का हिस्सा है, बौद्धिक संपदा, सेवा का अधिकार, सूचना का अधिकार या उपभोक्ता संरक्षण अधिकार, कुछ इस तरीके से भी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, उसको आप लोग क्या करोगे ध्यान में रखोगे, ठीक है। इसके बाद बच्चों जो सेकेंड आता है आपका, वो सेकेंड जो टॉपिक आता है, देखो सेवा का अधिकार आप लोग नोट कर लेना है, ठीक है, उत्तराखंड में कब हुआ। सेकेंड जो टॉपिक आपके सिलेबस में दिया है वो दिया बौद्धिक संपदा का अधिकार। ये थोड़ा सा समझने वाला टॉपिक है बौद्धिक, हालांकि मैंने इसको कराया हुआ है, लेकिन कई बच्चे कहते हैं सर नहीं मिल रहा है, एक ही जगह करा दो, और ये बौद्धिक संपदा का अधिकार जो मैंने पहले कराया उसके कंपेयर में इसमें थोड़े से फैक्ट होंगे, ठीक है, क्योंकि पहले तो मैंने नॉर्मल सा कराया था और ये आरओ के एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन आने की संभावना है। बौद्धिक संपदा का अधिकार यानी इंटेलेक्चुअल, इसको बोलते हैं इंग्लिश में बच्चों इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, IPRs बोलते हैं, ठीक है, यानी बौद्धिक संपदा का अधिकार। सबसे पहले हमें ये समझना है कि होता क्या है। आपने कोई रचना की बच्चों, आपने इनोवेशन किया, आपने नवाचार किया, आप कोई चीज एक रचनात्मक तरीके से, आपकी बुद्धि इतनी मतलब अच्छी से किसी चीज में काम की, चाहे आपने किसी दवा को इनोवेट कर दिया, चाहे आपने कोई एक ऐसी मशीन बना दी जिससे कि बहुत ज़्यादा पब्लिक को भी फायदा होता है, कुछ आपने ऐसा बना दिया कि आप घर बैठे मतलब जैसे आपकी घर में बिजली ऑन है, हो सकता है आप कहीं एक ऐसी जगह चले जाएं दूर, आपको पता है कि मेरे घर की लाइट ऑन है, लेकिन आपके पास कोई एक ऐसा मीटर हो वहीं से आप लाइट ऑफ कर दो, तो ये एक प्रकार का इनोवेशन। यानी आप इंडस्ट्रियल फील्ड हो, आप लोक कला हो, लोक साहित्य हो, या कोई भी एक ऐसी चीज जहां पे आप नवाचार करते हैं, यानी आप एक नए प्रकार की रचना करते हैं, उस रचना को संरक्षण की आवश्यकता होती है। जैसे आपने कोई नई चीज बनाई और आपके दिमाग में एक ऐसा इनोवेशन आया, आपने कुछ नई क्रिएटिविटी के माध्यम से एक ऐसी चीज बना दी जिसका बहुत ही क्या है मतलब एक यूनिक आइडिया था जो आज तक कभी नहीं किया किसी के द्वारा, आपने एक ऐसी चीज डेवलप कर दी, तो आप ये चाहोगे ना कि आपने डेवलप किया है तो वो आपका उस पर अधिकार हो, उसका दूसरा मिसयूज ना करे, क्योंकि आपको उसको आर्थिक लाभ हो, आप समाज को उसका दूसरा लाभ होगा, जो लाभ होगा होगा, लेकिन आप ये चाहोगे कि आपके दिमाग की उत्पत्ति वो चीज है तो आपके दिमाग को उत्पत्ति को संरक्षण दिया जाए। अगर वो चोरी करके कोई दूसरा क्रेडिट ले ले तो कभी भी नवाचार नहीं हो सकेगा। और ध्यान रखना, आर्थिक विकास या विकास, नवाचार ही आर्थिक विकास की जननी है बच्चों। अगर नवाचार होगा, इनोवेशन होगा, तो आपका डेवलपमेंट होगा, हम उत्तरोत्तर क्या करेंगे, प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेंगे। ध्यान रखना, इसके लिए इनोवेशन का होना बहुत जरूरी है। तो उन्हीं इनोवेशंस, उन्हीं बौद्धिक संपदाओं को जो आपके दिमाग की क्रिएटिविटी के माध्यम से डेवलप हुई हैं, उसको संरक्षण, उसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत होती है, अन्यथा उसको कोई और चुरा लेगा, उसका आर्थिक लाभ कोई दूसरा लेगा, और आप क्या होंगे, हतोत्साहित हो जाएंगे। कभी आप नहीं चाहोगे कि आप नया काम सीखो या नवाचार करो, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि आपको प्रोटेक्शन मिल नहीं रहा, आपने क्रिएटिव किया, क्रिएट किया और दूसरा उसका फायदा ले गया। तो उसी को संरक्षित करने के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार का क्या आता है बच्चों, कॉन्सेप्ट आता है। तो बौद्धिक संपदा अधिकार सिंपल सा कुछ भी नहीं बच्चों, मैंने पहले पढ़ा रखा है, बौद्धिक संपदा अधिकार है कोई भी औद्योगिक या किसी भी प्रकार की रचना को जो व्यक्ति या जिस संस्था द्वारा डेवलप किया है उसको संरक्षित करने के लिए विश्व लेवल में एक मतलब कॉन्सेप्ट चला कि हमें इसको संरक्षण देना चाहिए। वही क्या होता है बच्चों, बौद्धिक संपदा का अधिकार होता है, ठीक है, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, यानी बौद्धिक संपदा अधिकार से नवाचारी के वाणिज्यिक अधिकार सुरक्षित रहते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखो नवाचार, नवाचारी जो इनोवेटर है, ठीक है, जिसने इनोवेट किया है, नवाचारी के वाणिज्यिक अधिकार सुरक्षित होते हैं इससे, यानी कॉमर्शियल राइट, उसको पैसा मिलेगा या जो भी मिलेगा, वाणिज्यिक अधिकार सुरक्षित। अगर वाणिज्यिक अधिकार सुरक्षित नहीं करोगे तो कभी भी इनोवेशन नहीं होगा, दूसरा आदमी भाग जाएगा, कहेगा कौन लगे रहेगा इनके चक्कर में, ठीक है। तो इनोवेशन ही मतलब क्या है, एक प्रकार के डेवलपमेंट की जननी है। तो नवाचारी के वाणिज्यिक अधिकार सुरक्षित किसके माध्यम से होते हैं, बौद्धिक संपदा के माध्यम से होते हैं। तो कंप्लीटली अगर आप देखोगे इस चीज के लिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने एक व्यवस्था की बच्चों, इसके लिए लिखो WTO की IWTO की ट्रिप्स व्यवस्था, TRIPS ट्रिप्स व्यवस्था, बौद्धिक संपदा अधिकार यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के संरक्षण हेतु कार्य करती है।
के संरक्षण हेतु कार्य करती है। ठीक है, मैंने पहले इसको पढ़ाया हुआ है इसलिए मैं इसमें बेसिक ऊपर ऊपर ही बता सकता हूं कि क्या क्वेश्चन आएगा। अब देखना, बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंध में जो कार्य करता है इसके लिए WTO ने एक अपनी व्यवस्था बना रखी है, ट्रिप्स व्यवस्था, जो कि बौद्धिक संपदा के अधिकारों को संरक्षित करती है। ट्रेड रिलेटेड आस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है ट्रेड रिलेटेड आस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, इसको पूरा लिखना, ट्रेड रिलेटेड आस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इसका फुल फॉर्म है। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी बौद्धिक संपदा अधिकार व्यवस्था है जो कि ट्रिप्स है। ठीक है, ये बच्चों 1994 में इसको लागू सामने आई थी और ये दुनिया की सबसे बड़ी IPR व्यवस्था है। ठीक है, लिखो दुनिया की सबसे बड़ी IPR व्यवस्था, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट व्यवस्था। ठीक है, यानी बौद्धिक संपदा अधिकारों की सबसे बड़ी व्यवस्था जो है वो कौन सी है बच्चों, ट्रिप्स है। अगर क्वेश्चन आएगा कि इनमें से ट्रिप्स किस क्षेत्र में कार्य करता है तो आपका सीधा आंसर हो जाना चाहिए बौद्धिक संपदा के अधिकारों के संरक्षण के लिए। क्वेश्चन आएगा कि जो बौद्धिक संपदा अधिकारों हेतु जो ट्रिप्स व्यवस्था है वो कब से लागू हुई, 1994 में। अगर क्वेश्चन आता है बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित ट्रिप्स व्यवस्था किस ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है, आंसर हो जाएगा WTO। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब देखना बच्चों, जो हमारे मतलब विश्व में ट्रिप्स व्यवस्था है, ट्रिप्स व्यवस्था के तहत बच्चों 7 प्रकार के क्या कर रखे हैं हमने, बौद्धिक संपदा अधिकारों को सुरक्षित करने के प्रयास किए, यहीं से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो अगला पॉइंट लिखो, ट्रिप्स व्यवस्था के तहत 7 प्रकार से, ध्यान रखना है, ठीक है, 7 प्रकार से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को सुरक्षित करने के प्रयास किए गए। TRIPS, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रिप्स व्यवस्था के तहत, ट्रिप्स व्यवस्था के तहत 7 प्रकार से IPRs को सुरक्षित रखने के प्रयास, IPRs को संरक्षण लिख दो। यानी ये 7 टाइप हैं जिससे बौद्धिक संपदा अधिकारों को क्या मिलता है बच्चों, संरक्षण मिलता है। अब ये 7 टाइप कौन कौन से, हमने यही इसमें क्या करना है, चेक करना है। ठीक है, पहला जो आता है बच्चों ट्रिप्स व्यवस्था के अंदर वो आता है ट्रेड सीक्रेट, व्यापार रहस्य। पहला लिखो व्यापार रहस्य। ठीक है, क्वेश्चन क्या आएगा पहले बता दे रहा हूं, इसको लिखो ट्रेड सीक्रेट। ठीक है, ट्रेड क्या लिखोगे, TS लिख दिया हमने शॉर्ट में। ठीक है, क्वेश्चन क्या आएगा, ट्रिप्स व्यवस्था के तहत IPRs को सुरक्षित रखने कौन कौन से प्रयास किए गए। पहला होगा व्यापार रहस्य, दूसरा ये वो, दूसरा लिखो बच्चों, इसको फिर समझाता हूं। ठीक है, व्यापार रहस्य, दूसरा लिखो बच्चों ट्रेड मार्क यानी व्यापार चिन्ह, व्यापार चिन्ह, हर किसी का एक व्यापारिक व्यापार चिन्ह होता है। ठीक है, ट्रेड मार्क, जैसे महिंद्रा कंपनी का देखा होगा, एडिडास कंपनी का देखा, उनका ट्रेडमार्क है, दूसरा नहीं चुरा सकता है। आप एडिडास की स्पेलिंग डी का इधर उधर करके आई का ए लिख दोगे, कुछ कर लोगे, सिमिलर बना दोगे, लेकिन आप सेम नहीं कर सकते हो। सेम करोगे तो आपके खिलाफ केस हो जाएगा, हर्जाना आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो व्यापार चिन्ह बोलते हैं इसको। तीसरा होता है बच्चों अपने आप में कॉपी राइट्स। ठीक है, लिखो कॉपी राइट। थर्ड क्या होता है बच्चों, कॉपी राइट, कॉपीराइट्स होता है ना, जैसे कई चीज आपने किसी के कंटेंट को चोरने की कोशिश करते हो तो कॉपीराइट्स आ जाते हैं, तो आप पे क्लेम कर देगा वो। ठीक है, तो फिर आपको भुगतना पड़ेगा, उसका जुर्माना देना पड़ेगा। इसके अलावा फोर्थ होता है बच्चों डिजाइन, किसी का डिजाइन आप नहीं चुरा सकते हो, डिजाइन। ठीक है, डिजाइन भी क्या है बच्चों, IPRs को सुरक्षित करने का तरीका है। अगला लिखो आपको इंटीग्रेटेड सर्किट यानी एकीकृत परिपथ लिखना है। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट, एकीकृत परिपथ, इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC लिख दिया मैंने। ठीक है, एकीकृत परिपथ हो गया IC। इसके बाद हो गया बच्चों GI, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेत, यहीं से क्वेश्चन आना है आपका, कंफर्म है, मतलब इस वाली देखना, ये जो दिख रहा है ना यहां से क्वेश्चन आएगा आपका, भौगोलिक संकेत यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन, GI बोलते हैं, जो आपने देखा होगा ना आजकल उत्तराखंड में खूब चर्चा में रहता है कि इसको GI का टैग मिला, इसको GI, यही है भौगोलिक संकेत। ठीक है, और लास्ट होता है बच्चों पेटेंट यानी इसको बोलते हैं एकस्व, लास्ट बोलते हैं पेटेंट, एकस्व। ठीक है, पेटेंट यानी एकस्व, इसको हिंदी में बोलते हैं पेटेंट, एकाधिकार वाली बात। ठीक, अब देखना बच्चों ये 7 प्रकार की व्यवस्थाएं ट्रिप्स के अंतर्गत बौद्धिक संपदा अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए की गई है। ठीक है, पहला आता है बच्चों व्यापार रहस्य। व्यापार रहस्य मतलब
कोई कंपनी अगर कोई व्यापार कर रही, कोई उद्योग है, तो उनके जो कर्मचारी होंगे, इंप्लॉय, आपने देखा होगा ना, सेम चीज, मैं हमेशा कहता हूं सेम चीज कई मार्केट में मिलती है, लेकिन किसी किसी की बहुत फेमस होती है, वही चलता है, दूसरा नहीं चलता है। अरे भाई, इसमें ऐसा क्या सीक्रेट है कि इसी की ही चीज चल रही है? मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था, जैसे आप लोग उत्तराखंड से हैं, अल्मोड़ा में अगर आप जाएंगे, खीम सिंह मोहन सिंह जी के जो मिष्ठान है बहुत फेमस है, आपने सुना होगा उसका, ऑल इंडिया लेवल पे आपने नाम भी सुना होगा, उत्तराखंड में तो है ही है, ठीक है। क्या है कि उसके अगल बगल वालों का नहीं चल पाता है? ये तो सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि उन्होंने उसका व्यापार रहस्य होगा, तो उनका है, दूसरे का नहीं चल पाता, ऐसी क्या बात है बताओ? क्या मतलब उसमें है? क्यों ऐसा मतलब है सीक्रेट उसका? तो वो जो व्यापार सीक्रेट है, बतलो उसको, उस अंदर उस फर्म पे काम करने वाले जो लोग हैं वो उसको लीक नहीं करेंगे, वो दूसरे को नहीं बताएंगे कि ये बंदा मिठाई में ये मिला था इसलिए इसका टेस्ट आता है, या ये बंदा इस चीज में ऐसा करता है इसलिए टेस्ट आता है। वो ट्रेड सीक्रेट है, तो आप उस सीक्रेट को आउट नहीं कर सकते, जिसने आउट कर दिया उस पर कार्यवाही हो जाएगी, ठीक है। यानी अगर उसके अंदर आप काम कर रहे हो तो आपको उस सीक्रेट को बाहर अलाउ होता ही नहीं कि आप किसी दूसरे को बता के आओ, बताओगे तो आप पे एक्शन होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये ट्रेड सीक्रेट जो है, व्यापार रहस्य है, वो अपने आप में क्या है बच्चों, बौद्धिक संपदा के अधिकार को सुरक्षित रखने का प्रयास है, ठीक है। ये बच्चों बेसिकली क्या हो सकता है, एक कॉमर्शियल वैल्यू रखने वाली एक अप्रकाशित सूचना होती है, यानी आप ऐसी सूचना अप्रकाशित, आपको प्रकाशित नहीं करनी है उस सूचना को, आपको लीक नहीं करना कि आखिर इसका व्यापार ऐसा क्यों चल रहा है, इसका सीक्रेट क्या है, यानी एक प्रकार की सूचना है अप्रकाशित है, ठीक है। ये कोई फॉर्मूला हो सकता है, कोई केमिकल रासायनिक हो सकता है, ग्राहकों की सूची हो सकती है, कुछ भी हो सकता है बच्चों, ठीक है। ये क्या क्या हो सकता है, एग्जाम्पल जैसे कोई सूत्र हो सकता है, कैसे बना रहा हो, ठीक है, कोई रासायनिक यौगिक हो सकता है, रासायनिक यौगिक, या कोई ग्राहकों की सूची है, किसी के कस्टमर होते हैं ना, फिक्स ये कस्टमर रहते हैं, तो ग्राहकों की सूची हो सकता है, उसने कुछ अपना बना रखा हो, उन्हीं ग्राहकों को, मतलब वो ग्राहक वहीं आते हो कि, मतलब आपको पता होगा कि इसके कौन कौन से कस्टमर हो, वहीं उससे खरीदते हो, तो कहीं ना कहीं ये व्यापार रहस्य है बच्चों, ठीक है। तो आपको लिखने की जरूरत नहीं, इसको आप समझ गए, मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। दूसरा आता है बच्चों व्यापार चिन्ह, यानी ट्रेड मार्क, ठीक है। ये कोई चिन्ह हो सकता है, कोई आकृति हो सकती है, कोई नाम हो सकता है बच्चों। ये 10 वर्ष हेतु दिया जाता है और पुनः इसको दिया जा सकता है। जैसे आपने कोई फॉर्म खोला, कोई कंपनी खोली, ये बेसिकली 10 वर्ष हेतु दिया जाता है बच्चों, ठीक है। 10 वर्ष हेतु, ऐसा नहीं पूछेगा कितने वर्ष हेतु दिया जाता है, मैं नॉर्मल बता रहा हूं, ठीक है। ये कोई चिन्ह हो सकता है बच्चों, ये कोई आकृति हो सकती है, ठीक है, कोई चिन्ह हो सकती है, कोई आकृति हो सकती है, या फिर अपने आप में कोई क्या हो सकता है बच्चों, मतलब नाम हो सकता है। तो कोई कंपनी है, उसने अपना एक व्यापार चिन्ह बना दिया, कोई नाम दे दिया उसको, कोई आकृति, कोई चिन्ह, तो दूसरा उसको नहीं चुरा सकता है। फिर वो क्या होगा, वो उस चिन्ह से, उस आकृति से, उस नाम से आपको सीधे दिमाग में आ जाएगा, आपको पता चल जाता है। जैसे प्यूमा के कपड़े कोई पहनते हैं, आपको प्यूमा का साइन देख के पता चल जाता है ना, अच्छा ये कपड़ा, आप कपड़े की क्वालिटी तो नहीं चेक करते हो, आप प्यूमा का साइन देखते हो तब बताते हो कि हाँ प्यूमा का कपड़ा तो अच्छा होगा, या आपने एडिडास का दिखा तो आपने कपड़े को तो ऐसे चेक नहीं किया ना, आपको पता है कि एडिडास का है, क्यों, उसकी वैल्यू है, वो उसने क्या किया है, उसको पता है कि अगर मैं इस टाइप का कपड़ा तो मार्केट में कई बना सकते हैं, जैसे एडिडास बना सकता है, उस क्वालिटी के बहुत से बन सकते हैं, लेकिन उसने क्या किया, अपने व्यापार को चिन्ह दिया हुआ है, व्यापार को चिन्ह दिया है तो उस चिन्ह को कोई नहीं चोर सकता, तो आप उस चिन्ह को देख के बता सकते हो कि एडिडास का कपड़ा है, आप कपड़ा देख के नहीं चेक करते हो, यही अपने आप में क्या है बच्चों, व्यापार चिन्ह होता है, ठीक है। तीसरा होता है बच्चों कॉपीराइट, कॉपीराइट किसी भी, बेसिकली आप लोग ये साहित्य, कला या संगीत से जुड़े हुए नवाचार को सुरक्षित करने के लिए दिया जाता है, और बेसिकली 50 वर्ष, ठीक है। कॉपीराइट बेसिकली साहित्य, कला, संगीत आदि को सुरक्षित करने हेतु, लिखो आदि को सुरक्षित करने हेतु, और यह 50 वर्ष हेतु दिया जाता है, ठीक है। जैसे आपने कोई साहित्य लिखा, आप उस साहित्य को कोई दूसरा चोरी नहीं पाएगा, आपने उसका कॉपीराइट करा लिया, 50 वर्ष तक बेसिकली आप उस चीज को चोर के दूसरा अपने किताब पर नहीं लिख सकता है, क्यों, क्योंकि उसने उसका कॉपीराइट कराया हुआ है, कॉपीराइट कराया, उसको पता चल गया, वो केस कर देगा, फिर केस भुगतते रहो, जुर्माना भी दो और सजा भी भुगतो, ठीक है। तो 50 वर्ष के लिए क्या होता है बच्चों, कॉपीराइट होता है, ठीक है। किसी ने अगर किसी कॉन्टेंट का कॉपीराइट करा दिया तो फिर उसको नहीं चोर पाएगा, ठीक है। ये साहित्य, कला है, संगीत के क्षेत्र में बेसिकली दिया जाता है, 50 वर्ष तक उस पर कोई छेड़खानी नहीं कर सकता है, बाकी उसका रिन्यू करना चाहिए तो वो अलग बात है, ठीक है। इसके बाद आता है बच्चों डिजाइन, ये औद्योगिक और भौतिक वस्तुओं की डिजाइन सुरक्षित करता है। कोई डिजाइन ले लो, कोई आपने इंडस्ट्रियल वस्तु है, औद्योगिक अपनी भौगोलिक वस्तु हेतु, भौतिक वस्तु हेतु लिखो, भौतिक
वस्तु को, कोई डिजाइन दे दिया आपने उसको, ठीक है कि यार इसका डिजाइन ऐसा होगा, डिजाइन से है, ठीक है आप समझ जाओगे। 10 वर्ष के लिए बेसिकली ये दिया जाता है, आपसे इतना नहीं पूछेगा। इसके बाद आता है बच्चों एकीकृत परिपथ। ये एक सिलिकॉन की चिप होती है बच्चों, SI चिप होती है, ठीक है, चिप टाइप की होती है। अब चिप एकीकृत परिपथ आपको पता है ना कितनी इंपॉर्टेंट चीज होती है ये चीज, ठीक है। ये एक एकीकृत परिपथ इंटीग्रेटेड सर्किट होती है, ये इलेक्ट्रॉनिक परिपथ को छोटा करता है। आप आजकल क्योंकि नैनो टेक्नोलॉजी का जमाना है, आप छोटी सी छोटी क्या कह सकते हो इलेक्ट्रॉनिक परिपथ बने, आप नैनो टेक्नोलॉजी की दुनिया से भी छोटी टेक्नोलॉजी में आ चुके हो, तो ये जितना छोटा होगा उतना हम कैरी करने में उतना फायदा होता है। एकीकृत परिपथ जितना इजी मतलब आसान बनाएंगे, जितना छोटा बनाएंगे, उससे संबंधित डिवाइस भी उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी, हमारे लिए सहूलियत प्रदान करेगी। तो एकीकृत परिपथ भी क्या करता है, किसी ने डेवलप कर दिया तो उसका क्या कर सकता है, वो अपने आप में ये बौद्धिक संपदा अधिकार के तहत उसको सुरक्षित करवा सकता है, ठीक है। इसके बाद आता है बच्चों भौगोलिक संकेत। ये क्या होता है, किसी कहीं किसी जगह की वस्तु को क्या कर दिया जाता है, आपने GI टैग दे दिया जाता है। GI टैग देने के बाद उस जगह की वस्तु को कोई दूसरा वहां के नाम पे नहीं बेच सकता। मैं बार बार एग्जांपल दिया, मैंने कहा चकराता की राजमा फेमस है, तो आप दिल्ली में राजमा होगा कि ये नहीं कह सकते हो कि चकराता की राजमा में यहां बेच रहा हूं, आप पे केस हो जाएगा अगर वहां की नहीं होगी। क्यों, आप चकराता की राजमा को बदनाम कर रहे हो, क्योंकि उसको भौगोलिक संकेत मिला है, वहां उस राजमा को उस जगह पे इतना बढ़िया उत्पादित होता है कि वहां उसको नाम मिला है। आपने हरसिल की राजमा खाई होगी, बहुत फेमस है उत्तरकाशी हरसिल की राजमा, ठीक है। अगर हरसिल की राजमा को GI टैग मिलता है, यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग मिलता है, या आप मुंशियारी और धारचूला की राजमा खाओ उसको GI टैग मिलता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग मिलता है, तो कहीं ना कहीं उसको GI टैग मिलने का मतलब वो उस क्षेत्र विशिष्ट क्षेत्र की पहचान बन जाता है। तो आप दूसरे जगह उसी प्रोडक्ट को उत्पादित करके या उसी टाइप की चीज बना के आप उसको नहीं बेच सकते उसके नाम पे, ठीक है, क्योंकि उस जगह, क्योंकि आपकी क्वालिटी उसकी क्वालिटी में तो डिफरेंस होगा, तो आप उसका नाम यूज करके उस प्रोडक्ट को बेचोगे तो फिर आप पे केस होना तय है, ठीक है। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिए जाते हैं उस क्षेत्र की भौगोलिक पहचान के लिए। और लास्ट आता है बच्चों पेटेंट। पेटेंट बोलते हैं एकस्व, यानी ठीक है ये किस में दिया जाता है, कोई नई औद्योगिक या भौतिक इस्तेमाल वाली वस्तु हेतु दिए जाते हैं और 20 वर्ष के लिए दिए जाते हैं, ठीक है। इसमें सिग्निफिकेंट अगर आप चेंज करोगे इसको फिर क्या कर सकते हैं, उसका नवीनीकरण, ठीक है। तो इसमें पेटेंट में लिखो नई औद्योगिक व भौतिक इस्तेमाल वाली वस्तु हेतु, ठीक है, नई लिखो, नई औद्योगिक व भौतिक इस्तेमाल वाली वस्तु हेतु, भौतिक इस्तेमाल की वस्तु हेतु दिए जाते हैं, ठीक है, कि वस्तु हेतु क्या दिए जाते हैं हमारे द्वारा, पेटेंट या एकस्व इसमें दिया जाता है, ठीक है। अब थोड़ा सा बच्चों इसमें क्या करना है, हमने ये पेटेंट वाला चीज को समझना है, ठीक है, ये तो साथ हो गया। अब देखो भारत ने क्या किया बच्चों, ट्रिप्स व्यवस्था पे 1994 में साइन किए, ठीक है। भारत ने कहा ठीक है हम भी अपने देश में ये चीज करेंगे, लेकिन भारत में बाकी 6 चीज तो सही थी, पेटेंट बच्चों थोड़ा सा डिफरेंट था, ठीक है। तो लिखो भारत ने ट्रिप्स व्यवस्था पे साइन, भारत ने ट्रिप्स व्यवस्था पर हस्ताक्षर कब किए, 1994 में किया, ठीक है, 1994 में। अब जो पहले की 6 चीज अभी मैंने बताई वो भारत और ट्रिप्स व्यवस्था की सेम थी, भारत ने भी कहा डिजाइन ये होगा, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ये, लेकिन भारत में और ट्रिप्स व्यवस्था में पेटेंट जो है बच्चों अलग हो गया, ठीक है, जो एकस्व हो गया, ठीक है। अब देखना मैं कैसे होता है, देखो लिखो नोट करके लिखो, भारत ने पहले 6 यानी जो 6 वस्तु पहले 6 प्रकार के जो अभी बताए ना मैंने, तो लिखो भारत ट्रिप्स व्यवस्था में, भारत ट्रिप्स व्यवस्था के समान था लेकिन पेटेंट के मामले में ट्रिप्स व्यवस्था से अलग था, ऐसे लिख लो, या तो भारत का ट्रिप्स व्यवस्था व भारत की व्यवस्था एक समान थी लेकिन पेटेंट के मामले में यह अलग थी, ऐसा लिख लो। बाकी के 6 सेम थे, एक अलग हो गया। पेटेंट में कैसे अलग था बच्चों, देखो जैसे मैंने पेटेंट बताया 7वां वाला, ठीक है, पेटेंट को हिंदी में बोलते हैं एकस्व। बच्चों पेटेंट 2 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना है इसको, 2 प्रकार के। एक होता है बच्चों उत्पाद पेटेंट, ठीक है, पहला कौन सा होता है, उत्पाद पेटेंट होता है, और दूसरा होता है बच्चों प्रोसेस पेटेंट, प्रक्रिया पेटेंट, प्रक्रिया। अब जो जो ट्रिप्स व्यवस्था है WTO की, वो क्या कहता है, किसी उत्पाद का प्रक्रिया के दौरान ही पेटेंट कर दिया जाता है, कि उस उत्पाद को आप बना रहे हो तो उस बनाने की प्रोसेस क्या है वहीं पे आपने उसका पेटेंट कर दिया। इसका ये मतलब होगा कि आपने प्रक्रिया में थोड़ा भी बदलाव कर दिया तब भी आप उस वस्तु को नहीं बना पाओगे, क्यों, आपने प्रक्रिया का भी पेटेंट कर दिया, यानी आप किसी प्रक्रिया को अपनाओ उस वस्तु को नहीं बना पाओगे वैसी वस्तु, ठीक है, यानी प्रक्रिया के दौरान ही पेटेंट कर दिया, तो आप प्रक्रिया के दौरान पेटेंट हो गया तो उस वस्तु को आप बना ही नहीं सकते हो, ठीक है। दूसरा देखना,
है प्रक्रिया पेटेंट। प्रक्रिया पेटेंट में क्या होगा बच्चों, आप सिर्फ प्रोडक्ट फाइनल जो कंडीशन में बन गया आप उसी का पेटेंट करते थे। अब क्या होता था बच्चों, भारत ने अपनाया प्रक्रिया पेमेंट, भारत ने क्या किया प्रक्रिया पेटेंट अपनाया, ठीक है लिखो भारत ने अपनाया था, भारत द्वारा अपनाया गया स्टार्टिंग में, यह अलग हो गया ठीक है, भारत द्वारा अपनाया गया पहले स्टार्टिंग में भारत ने यह अपना लिया। और यह क्या था, ये ट्रिप्स इसको मानता था, इसको ब्रैकेट में लिखो ट्रिप्स इसे मानता था, इसे मानता था ठीक है। अब इनका अलग हो गया दोनों का। इसमें क्या होता था ध्यान से सुनना, उत्पाद पेटेंट में इसमें आप क्या करोगे लिखो किसी वस्तु की उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान ही, लिखो उत्पादन की प्रक्रिया के, किसी वस्तु की उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान ही, के दौरान ही पेटेंट हो जाता था, दौरान ही पेटेंट। और इसमें क्या होता था प्रक्रिया में, प्रक्रिया का पेटेंट ना हो गया सिर्फ वस्तु का होता था बच्चों, यानी निर्माण की प्रक्रिया का ही पेटेंट हो जाता था और उसके अलावा प्रक्रिया बदल देने पर उस जैसी वस्तु को बनाया जा सकता था ठीक है। यानी आप क्या हो गए देखो, इसमें दोनों को समझना, उत्पाद के प्रक्रिया के दौरान पेमेंट पेटेंट हो जाएगा ठीक है, वहीं पे पेटेंट कर दिया तो इसका ये फायदा हो जाएगा कि आप प्रक्रिया बदल के भी पेटेंट उस वैसी वस्तु नहीं बना सकते हो ठीक है। ऊपर लिख दो प्रक्रिया बदलने के बाद भी उस जैसी वस्तु को नहीं बनाया जा सकता था, यानी सिमिलर नहीं होता था ठीक है। लिखो प्रक्रिया बदलने के बाद उस जैसी वस्तु को नहीं बना सकते थे, जैसी वस्तु नहीं बना सकते थे ठीक है, नहीं बना सकते थे, जो कि ट्रिप्स मानता था। भारत ने कहा कि हम सिर्फ और सिर्फ प्रक्रिया पेटेंट करेंगे, उस जैसी वस्तु को अपने आप बनाएगा। अब ये गड़बड़ हो रहा था, लोगों ने क्या किया थोड़ी सी प्रोसेस बदल दी और सेम प्रोडक्ट बना दिया। बस अब तुमने पेटेंट किया प्रक्रिया का, जो WTO ट्रिप्स से कहता है वो कहता है उत्पाद के दौरान कंप्लीट पेटेंट होना चाहिए। मैं आपको समझाता हूं कैसे, समझो देखो कोई प्रोडक्ट बना, उत्पाद बना ठीक है। अब इस उत्पाद को बनाने के लिए जो ट्रिप्स है, इस उत्पाद के बनाने के लिए प्रक्रिया होगी ना, प्रक्रिया, तो ट्रिप्स व्यवस्था करता था इसका पेटेंट, पेटेंट यानी आप प्रक्रिया भी नहीं कर सकते हो, इसका भी पेटेंट, ये ट्रिप्स ने किया था। भारत ने क्या किया था, कोई वस्तु जो उत्पाद बनता है भारत ने क्या किया, इसकी प्रक्रिया होगी, सिर्फ और सिर्फ इसका पेटेंट किया था, इसका पेटेंट, इसका नहीं किया था। तो लोगों ने क्या किया, इस प्रक्रिया में हेरफेर कर दी और हेरफेर करने का सेम प्रोडक्ट बना दिया। क्या करोगे, तो इससे क्या हो रहा था, कई लोगों में निराशा उत्पन्न हो रही थी ठीक है। और भारत की भी मजबूरी थी क्योंकि बच्चों दवाइयां हैं, रसायन है, अगर किसी ने कैंसर की दवा खोजी है या कोई एक ऐसी दवा खोजी है जैसे HIV एड्स की दवा खोज दी, कुछ भी खोज दिया, अब तुमने खोजा तुम एकाधिकार कर लोगे उसमें, क्योंकि इतना बड़ा देश है, बीमारी से लड़ने के लिए अगर तुम्हारे पास तुमने किसी चीज़ को दवा खोज दी है, क्या उन लोगों को मिलना नहीं चाहिए, क्या मिलना चाहिए ना। अब लेकिन किसी ने अपना पेटेंट करवा दिया तो फिर तो वो एकाधिकार करेगा, वो तो राजा हो जाएगा, मनमर्जी करेगा, कहेगा नहीं देता हूं भाई मैं, मेरा इतना करोड़ इतना अरबों खरबों रुपया दो तब जाके मैं सीक्रेट बताऊंगा, ये तो गड़बड़ हो जाएगी फिर, इतने गरीब जहां पे इतनी गरीब जनता भी रहती है उनको इलाज कैसे करोगे। तो भारत ने भी अपने हिसाब से सही सोचा था, भारत ने ही कहा था कोई बात नहीं थोड़ा सा प्रक्रिया इधर उधर कर देना, सेम प्रोडक्ट बना देना। और भारत ने ऐसा जो किया था, जैसे कई प्रकार की दवाइयां थी बच्चों ठीक है, जैसे दवा रसायन या कोई खाद्य वस्तु थी उनमें ऐसा किया था, लेकिन जब WTO से बार बार दबाव बनाया गया तो भारत ने क्या कर दिया बच्चों, वर्ष 2002 में ठीक है, जो प्रक्रिया पेटेंट है उसको भी हटा दिया था ठीक है। इसको बेसिकली ऐसे समझना है आपको कि भारत ने 2005 से भारत का पेटेंट ट्रिप्स के अनुसार हो गया, तो इसमें लिखो वर्ष 2005 से, समझ गए ना आप, इसको समझने से मतलब है 2005 से भारत का पेटेंट, भारत का पेटेंट ट्रिप्स के अनुरूप हो गया, ट्रिप्स के अनुसार, यानी अब भारत के जो पेटेंट होगा, जो वस्तुएं होंगी वो ट्रिप्स के अनुसार होंगी, अर्थात उत्पाद पेटेंट कर दिया भारत ने। यानी अब कोई प्रोडक्ट बनेगा तो आप प्रक्रिया का भी पेटेंट कर दो, प्रोडक्ट का भी कर दो। भारत में पहले क्या था, सिर्फ प्रक्रिया का था, प्रक्रिया बदल दो सेम प्रोडक्ट बना दो। भारत ने ठीक ही सोचा था, भारत को पता था कि यार इसमें लोग क्या कर सकते हैं, अपना एकाधिकार कर देंगे, मोनोपोली चलाएंगे, कोई चीज नहीं खोज दी तो हम एक काम करते हैं, खाद्य दवा और रसायन जो प्रोडक्ट हैं इन प्रोडक्ट्स में भारत को पता ही था कि हम भाई प्रक्रिया चेंज कर देंगे, सेम प्रोडक्ट बना लेंगे दूसरा। गवर्नमेंट भी तो है, गवर्नमेंट के पास दिमाग है, लेकिन फिर अंतरराष्ट्रीय दबाव होते हैं, कई चीजें होती हैं बच्चों। वर्ष 2005 से भारत ने जो पेटेंट है वो किसकी तरह कर दिया, सिंपल सा इसकी व्यवस्था की तरह। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लिख लो इसमें, दो चार महत्वपूर्ण तथ्य लिखो। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष 26 अप्रैल को मनाया जाता है, इसमें लिख लो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस ठीक है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट डे कब मनाया जाता है, 26 अप्रैल को मनाया जाता है, लिखो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट डे ठीक है,
विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल, एक याद रखना। दूसरा लिखो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना, WIPRO लिखा है मैंने, पूरा लिखना। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना 1967 में, ठीक है 1967। मुख्यालय लिखो इसका, हेडक्वार्टर जेनेवा में स्विट्जरलैंड, ठीक है जेनेवा में इसका मुख्यालय है, ध्यान रखना ठीक, जेनेवा में इसका मुख्यालय। सदस्य लिखो इसमें 191 सदस्य, 191 है ठीक है। भारत सदस्य बना 1975 से, भारत सदस्य बना 1975 से भारत का सदस्य बना, इसको ध्यान में रखना ठीक है बच्चों। इसके बाद लिखो बच्चों IPR जो है मानव अधिकारों की जो सार्वभौमिक घोषणा है उसके अनुच्छेद 27 के अनुरूप है, ठीक है लिखो। बौद्धिक संपदा अधिकार, बौद्धिक संपदा अधिकार मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, मतलब यूनिवर्सल जो डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, आप पूरा लिखना बौद्धिक संपदा अधिकार मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा यानी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट के अनुच्छेद 27 के अनुरूप है। अनुच्छेद 27 में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है जो मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा है ना उसके अनुच्छेद 27 में इसका वर्णन है, उसके अनुरूप ये है ठीक है, इसको ध्यान में आप लोग रखना है। इसके अलावा देखो भारत में पेटेंट अधिनियम किस वर्ष बना, भारत में पेटेंट अधिनियम, भारत में पेटेंट एक्ट 1970 में बना है ठीक है 1970 में, और लागू हुआ बच्चों 1972 से, 1972 से लागू हुआ। इसमें संशोधन हुए बच्चों 2002 में संशोधन हुआ, 2005 में संशोधन हुआ ठीक है लिखो, उसी के आगे लिखना आप संशोधन कब कब हुए इसमें, 2002 और 2005, 2005 वाला वही वाला जो मैंने बताया ना अभी आपको दवा रसायन और वाला, वो भी विश्व ट्रिप्स की व्यवस्था के अनुरूप हो गया। अगला लिखो राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा नीति यानी नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पॉलिसी, ऐसे लिख रहा है हिंदी में, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा नीति, बौद्धिक संपदा नीति जो लेटेस्ट है वो 2016 की चल रही है ठीक है, 2016 में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा नीति हमने लागू की। और लिखो भारत में सर्वप्रथम भारतीय पेटेंट व डिजाइन अधिनियम कब बना था, भारत में सर्वप्रथम बौद्धिक संपदा व डिजाइन एक्ट कब बना था ठीक है, भारत में सर्वप्रथम बौद्धिक संपदा हेतु, भारत में सर्वप्रथम बौद्धिक संपदा हेतु पेटेंट व डिजाइन एक्ट, वह डिजाइन एक्ट ये ब्रिटिश काल में ही बन गया था ठीक है, 1911 में बना था बच्चों, 1911 में बना था। बेसिकली आपकी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ये था बच्चों आपको दो टॉपिक जो आपके क्या कौन से हो गया, आज कवर हो गए, दो अधिकार हम लोगों ने कवर कर लिए, एक हमने कर दिया बौद्धिक संपदा का अधिकार, एक हमने कर दिया सेवा का अधिकार। इसके बाद देखो कल शायद एंड हो जाएगा सूचना का अधिकार और उपभोक्ता संरक्षण अधिकार, और एक और अधिकार दिया हुआ है कुछ वो भी जो भी दिया है ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू।